सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एंड द गेम प्ले वीडियो। तो आज हम खेलने जा रहे हैं रियल कार ड्राइविंग, एंड दिस इज द एंड्रॉयड गेम। एज यू ऑल नो, वी ऑलवेज प्ले एंड्रॉयड गेम्स, सो दिस इज द वन ऑफ देम। तो हम पहले इस गेम के पहले नेविगेशन समझ लेते हैं पूरे कि क्या क्या है, और इस गेम को समझने की कोशिश करते हैं। ये बटन जो मैंने स्टार्ट किया, आई थिंक रिकॉर्डिंग की है, लेकिन मुझे पता चल नहीं रहा है कि कुछ रिकॉर्ड हो भी रहा है या नहीं। लेकिन इस गेम में जो कैमरा मूवमेंट्स है वो काफ़ी सिनेमेटिक है गाइस। जैसे कि मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ GTR, और इसके पहले मैं एक राउंड खेल चुका हूँ जिसमें मैं मस्कल कार ड्राइविंग कर रहा था, और उसके पहले जब जैसे ही स्टार्ट हुआ था गेम तब कोइंग से ड्राइव कर रहा था, लेकिन हमने GTR एज ऑलवेज अनलॉक कर लिए, और मैंने इसका ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ कर दिया, इसलिए कुछ ड्रिफ्ट मार रही है हमारी कार फ़िलहाल। और जैसे कि इसका कैमरा मैंने सिनेमेटिक मोड पे ऑन कर दिया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि रोड किधर है और जाना किस साइड है। तो हम बस ड्रिफ्ट मार रहे हैं जिधर जिधर जा रहे हैं, जस्ट इन्जॉइंग सिनेमेटिक व्यू। और इस गेम में हमें कुछ मिशंस भी करना है, वैसे कुछ ज़्यादा खास मिशन नहीं है, लेकिन कुछ जंपिंग वम्पिंग मतलब कार के स्टंट्स है बेसिक से, तो जो हमें हर एक कार ड्राइविंग गेम में करने पड़ जाते हैं। जैसे कि ये वाला, जैसे कि हमें ये चेक पॉइंट्स क्रॉस करने का था, और यहाँ पे कुछ टर्न आया था आई थिंक, मैंने ध्यान से मोड़ दिया। अभी नेविगेशन मैंने अब ठीक है, अब लगता है मैंने सही से सेट कर दिया कैमरा, तो अब पीछे का ही बताएंगे। बाकी कार तो काफ़ी अच्छी भागी जा रही है, और ये देखो हमें कोई मिशन का आया था, एक्सेप्ट करना पड़ता है हमें कोई मिशन करना है या नहीं करना। तो ठीक है गाइस, हम इसमें काफ़ी अच्छे खासे अर्न कर रहे हैं पैसे, ड्रिफ्ट करके भी हमें काफ़ी ज़्यादा इसमें पैसे मिल जाते हैं। लाइट्स ऑन करके रखे, गाड़ी की हालत अभी 79% डैमेज बता रही है, और अभी हमने फुल ट्रैक्शन और सब कुछ ऑफ कर दिया गाइस, मतलब ABS ABS कुछ नहीं है अभी मेरी कार में, मतलब सब ऑफ कर दिया, इसलिए जगह पर ड्रिफ्ट कर रही गाइस, समझ लीजिए। और अभी फुल ऑफ में चल रहा हूँ मैं, लेट्स सी। और ये काफ़ी एक अच्छा ब्रिज बना के रखा है, केबल ब्रिज, और लेकिन ABS अगर ख़राब हो तो बहुत दिक्कत आ जाती है। और ये मैंने एक मिशन ले लिया है, मेगा रैम चैलेंज, तो लेट्स डू दिस मिशन। और हमने यहाँ कार जंप की, डैमेज कुछ ज़्यादा ही हो रही लगता है। ओके, बच गई आई थिंक, गई ओके 25% ही कुछ, आई थिंक कार बची है 25% ही, और कार की तो बहुत बुरी हालत है, क्या फेंकाई है कार ऊपर से, ऐसा लग रहा था कुछ क्रैश हो गई है, रियल में जैसे क्रैश होती है उसी टाइप से, बट पेचका नहीं हुई है, मतलब रियल में तो अगर कार फेंकाई तो कुछ ज़्यादा ही बुरी तरीके से डैमेज होंगी। और अभी हमें $270 का कॉस्ट आया, बहुत कम है यार $270 ऐसी कार के लिए, मतलब GTR रिपेयर के लिए। और पहले हमारे पास मस्कल कार थी गाइस, और इसमें और भी कार से जो हम ओपन कर सकते हैं, ये वाली कार थी जो पहले की थी, इसे मैंने रिपेयर नहीं किया था, डायरेक्ट GTR ऑन कर ली थी, स्टार्ट कर दी थी। तो इफ़ यू वांट हम वो मस्कल कार भी ड्राइव कर लेंगे, लेकिन फ़िलहाल GTR काफ़ी अच्छी लग रही है, तो इसी ड्राइव करते गाइस। और थोड़े से कस्टमाइजेशन करते हैं, इसमें कस्टमाइजेशन के भी ऑप्शंस हैं, इसका नाम है निस्मो GTR, कितनी हॉर्स पावर इसकी, टॉप स्पीड 222 है, और नाइट्रो पावर 220 है, हॉर्स पावर कहाँ बता रहा है इसमें, आई थिंक हॉर्स पावर नहीं बता रहा है गाइस, लेकिन टॉप स्पीड बता रहा है, इसकी टॉप स्पीड ज़्यादा है 247 है, एक्सीलेशन 36 है, उसका 40 था आई थिंक, टाइम है हैंडलिंग 31 है। ओके, तो व्हील्स हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास फ़िलहाल उतना केस है नहीं, तो हम व्हील्स को अभी रहने देते हैं फ़िलहाल। टॉप वाले पहले चेक कर लेते कि टॉप वाले कौन से हैं, फिर सीधा टॉप वाले ही डलवा देंगे। ऑल दैट गाइस, तो हमने व्हील्स अभी रहने दिए, व्हील्स चेंज नहीं किए, लेकिन कलर चेंज कर लिया गाइस। आई होप आपको ये येलो कलर पसंद आ रहा होगा, सबसे चीप यही था इसलिए मैंने डलवाया, अदरवाइज हम रेड या ब्लू करवाने के चक्कर में था, मैं ब्लू मिला नहीं मेरे को,
सारा एक्सपेंसिव था काफ़ी, इसलिए हमने वो डलवाया नहीं और पैसे भी नहीं थे हमारे पास। तो थोड़ा ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट मार के थोड़ा मिशंस कंप्लीट करते हैं हम इसमें, और तब इसको और अच्छी तरीके से मॉडिफाई करेंगे। तो ये कुछ गलती में आ गया हूँ लगता है। ऑल राइट गाइस, तो ध्यान कहीं और था और मैं कुछ ज़्यादा ही हाई स्पीड में चला गया लगता, सीधा सीधा तो कहीं और ही जाके फेंका गया हूँ। कार बहुत अच्छी गाइस, एकदम रियलिस्टिक लग रहा है मोमेंट, बिल्कुल GTR जैसा, मतलब GTA 5 जैसा। कार ड्रिफ्ट भी बहुत मार रही है, पटाखे भी बहुत छोड़ दिए गाइस, पीछे फायर भी फेंक रही है। अभी थर्ड इंजन अच्छा थर्ड गियर में चल रही है गाइस, थर्ड गियर में देख रहे हो कितना जा रही है कार। ये एक कार को बचाते बचाते हमारी क्रैश हो गई, ये देखो उसने बीच में ला लिया था, फिर भी कुछ ज़्यादा डैमेज नहीं लग रहा मेरे को, सामने से थोड़ी बहुत क्रैश हुई है। इस कार को बचाते बचाते पता नहीं कहाँ पास करने की कोशिश कर रहा था वो। और ये एक मिशन है आई थिंक कि रैम्प वाला मिशन है, मेगा रैम्प चैलेंज, ये वाला तो हम कंप्लीट कर चुके थे गाइस मिशन, लेकिन फिर से आ गया तो कोई नहीं हम फिर से कंप्लीट कर लेते। लेकिन इस बार आई थिंक चेंज है रैम्प, ये देखो ये कुछ अलग ही टाइप का रैम्प है। तो ओके, तो यहाँ पर टनल भी था और वहाँ से हमारी कार जंप कर गई, एकदम से नीचे आई तो ग्राउंड क्लियरेंस कम होने की वजह से आगे पीछे से बहुत घिसा रही थी हमारी कार, डैमेज भी काफ़ी हो रही थी। और ये सीधा अच्छा वो ब्लास्ट नहीं हुई हमारी कार, मुझे लगा ब्लास्ट हो जाएंगी। इस बार 50% हमने कार पहुंचा दी है ठिकाने पे, मुझे लग नहीं रहा था कि फिर भी पहुंच पाएंगी। एक साइड से तो पूरी बैंड हो चुकी है कार बुरी तरीके से, बाकी दूसरी साइड से ठीक है, इससे पहले रिपेयर करते। इस बार कुछ ज़्यादा कॉस्ट आ गई है, $322, लेकिन हमने कुछ कमा भी लिए हैं, अर्न भी कर लिए मनी। तो फिर से स्टार्ट करते हैं गाइस, फिर से इस बार कोई नया चैलेंज लेंगे, मेगा रैम चैलेंज के अलावा भी कोई चैलेंज देखते हैं हम इसमें ट्राई करने का। बाकी हमने इसमें ड्रिफ्ट चैलेंज भी लिया था, उसमें हम ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट कर रहे थे, और जंप भी कराएंगे गाइस यहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ जंप कराने की, थोड़ा दूर से जंप कराएंगे तो हो सकता है काफ़ी लंबा जंप हो। ये सामने से कहाँ गया, पहले जाने देते इसको, अदरवाइज हमारी कार बैंड करेंगे। देखते हैं ये वाला जंप लेते हैं गाइस, थोड़ा दूर से करता हूँ तो और रेसिंग बनी रहेंगी, हाई स्पीड में हम जंप करेंगे कुछ 200 के आसपास में, तो मोशन बना रहेगा मतलब जंपिंग का। अच्छा 200 स्पीड नहीं गई लेकिन 126 गई थी, मेरे को पता नहीं था कि यहाँ पे आके कार फंस जाएंगी, अदरवाइज हम थोड़ी कम स्पीड रखते हैं। और सामने कार डिवाइडर से टकरा गई, लेकिन अच्छा वो कार बाहर नहीं गई, लेकिन सामने से काफ़ी बैंड हुई है गाइस कार। और ये हम केबल ब्रिज से मतलब फ्लाईओवर से नीचे उतर रहे हैं, और लेफ्ट साइड में मतलब पूरा हमारा जंपिंग का ही सीन है, और ये हमने सामने से जंप करा दी एयर टाइम पे। लगता है बाहर जा रही थी हमारी सिटी की कार, और अच्छा है अभी। तो अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। और बाकी भी कार्स चल रही गाइस इसमें, हम इस तरह के गेमिंग वीडियोस इस चैनल पर लाते ही रहते, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। और हमारी कार पलटी हो गई, कुछ सीधे करने का ऑप्शन है या नहीं आई डोंट नो। ओके, तो ऑटोमेटिक कार हमारी सीधी हो गई है, 62% हमारी कार बची हेल्थ। तो पहले ये चैलेंज मैं सोच रहा हूँ धीरे धीरे यहाँ से कार को ले जाओ। ओ डैम, हमारी कार आई थिंक फंस गई कुछ अलग ही फिक्स स्पॉट पे, और यहाँ से निकल पाना कुछ मुश्किल लग रहा है मुझे। ओके, कुछ डिफिकल्ट तो है यहाँ पर। सब कुछ ऑफ करके हम ट्राई करते गाइस, अगर ट्रैक्शन वैक्शन सब कुछ ऑफ करके हम ट्राई करते, शायद किनारे से हमारी कार निकल सकती है, लेकिन डैमेज यहाँ कुछ बढ़ रहा है हमारी कार का, लेकिन निकल नहीं पा रही। ट्राई कर रहे हैं गाइस, लेट्स ट्राई अगेन, अगर निकल जाए तो अच्छी बात है। ओके, तो साइडवेज भी हमारी कार नहीं निकल पा रही है, चढ़ ही नहीं पा रही गाइस, क्योंकि वो एकदम फिक्स प्लेस में हमारी गई है कार, और ये मैंने फिर से ट्राई किया तो आ गई हमारी
कार वापस से बैक टू रिपेयर शॉप। तो आज की वीडियो में बस इतना ही गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड रिपेयर करा के रख लेते हैं हम कार को। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।